हेलो डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ आप ही की क्वेरीज में से एक नया वीडियो लेके। तो जो आज का मेरा वीडियो है, इसका टॉपिक है लेआउट ऑफ नोट्स विद रिवर्स्ड स्लाइडर। क्योंकि रिवर्स्ड स्लाइडर के ऊपर आई थिंक प्रोबेबली दिस इज माय फोर्थ वीडियो, और मुझे एक कमेंट्स में जो कॉमन क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा था वो ये था कि आपने हमें जो नोट्स का लेआउट है और किस होल में हमें कौन सा नोट मिलेगा रिवर्स स्लाइडर के साथ, तो वो चीज प्लीज हमें बताएं। तो बहुत सिंपल चीज है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और एक मेरे जो लास्ट वीडियोस थे रिवर्स स्लाइडर के ऊपर, उसके ऊपर एक शम्मी शर्मा जी हैं पानीपत से, उन्होंने एक मुझे बहुत अच्छा एक इसका वैलिड रीजन दिया स्लाइडर रिवर्स करने का, लॉजिकल रीजन। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। तो आइए चलिए पहले हम नोट्स का जो लेआउट है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये मैंने नॉर्मल जैसे हमारा क्रोमेटिक हार्मोनिका होता है तो उसमें एक ऑक्टेव मैंने यहां पे शो किया है। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड डायग्राम। तो इसमें आप मान सकते हैं कि ये होल नंबर 1 2 3 4 है या 5 6 7 8 है। तो एक पूरा ऑक्टेव मैंने इसके इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया है। दूसरी चीज, मैं ये जितनी भी डिस्कशन करूंगा दैट विल बी विद रेफरेंस टू सी स्केल हार्मोनिका। तो इसीलिए मैंने यहां जो फर्स्ट होल या फिफ्थ होल है उसको सी मेंशन कर दिया है। अदरवाइज इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं मैंने बीच में नोटेशन जो है वो सारे गामा पाधा निशा सरगम नोटेशन लिखी है, बट आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैंने उसको वेस्टर्न नोटेशन भी साथ में मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं। पहली डायग्राम स्लाइडर आउट, मतलब नॉर्मल जो हमारा स्लाइडर बिना प्रेस किए जो पोजीशन है, और दूसरी जो डायग्राम है दैट इज विद स्लाइडर इन, स्लाइडर प्रेस्ड पोजीशन। और दिमाग में रखना है कि मैं रिवर्स्ड स्लाइडर की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह से ब्लो एंड ड्रॉ विद स्लाइडर आउट नॉर्मल स्लाइडर, ब्लो एंड ड्रॉ विद स्लाइडर प्रेस्ड पोजीशन। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये वाला जो लेआउट है ये आप सबको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द वेरी बेसिक, वेरी फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो जब आप क्रोमेटिक हार्मोनिका सीखने जाते हैं। तो ये इसका लेआउट रहता है सारे गामा पाधा निशा। तो इस तरह से हमें अगर हम स्लाइडर आउट पोजीशन में ब्लो या ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वर जो हैं वही मिलेंगे। तो उसको मैंने सी डी ई एफ की फॉर्म में भी लिख दिया है। अब दूसरी चीज, जब हम रिवर्स स्लाइडर के साथ स्लाइडर को प्रेस कर देंगे, तो ये चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में आई हैड डिस्कस्ड दिस थिंग दैट व्हेन यू प्रेस स्लाइडर इन केस ऑफ रिवर्स्ड स्लाइडर तो क्या होगा, यू विल गेट हाफ सेमी, एक सेमी टोन या हाफ नोट डाउन चला जाएगा। तो जो भी नोट आप नॉर्मल स्लाइडर के साथ स्लाइडर आउट पोजीशन में प्ले कर रहे हैं, जैसे ही आप स्लाइडर प्रेस करेंगे तो उस नोट से हाफ नोट, हाफ स्टेप या वन सेमी टोन आप नीचे चले जाएंगे। तो ये कुछ एक हमारी जो कन्वेंशनल नोटेशंस होती हैं, ठीक है जी, सेमी टोन बोल देते हैं, हाफ नोट बोल देते हैं, हाफ स्टेप बोल देते हैं, सो वट एवर द केस में भी समझ में आनी चाहिए बात आपको। तो अभी आप देखिए इस चीज को ध्यान से, ये चीज है स्लाइडर आउट पोजीशन। अब जैसे ही आपने स्लाइडर प्रेस किया तो जो फर्स्ट होल मान के चलता हूं मैं, चलिए इसको, सो फर्स्ट होल का जो ब्लो नोट है वो सा था, तो सा का हाफ नोट नीचे क्या हो जाएगा, नी। तो आपको पिछले ऑक्टेव का नी नोट जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से ड्रॉ नोट, फर्स्ट होल का जो ड्रॉ था वो रे था, तो अगर आप रे के ऊपर, रे मतलब ड्रॉ नोट ड्रॉ करते हुए फर्स्ट होल पे स्लाइडर प्रेस कर देंगे तो आपको सरगम नोटेशन में रे कोमल, ये मैंने आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है रे के नीचे, सो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इट रिप्रेजेंट्स कोमल स्वर, तो आपको रे कोमल मिल जाएगा। इसी तरह से सेकेंड होल पे आ गए, सेकेंड होल ब्लो इज गा, तो इसको आप कंफ्यूज मत करना कि ये जी है ये डी है, बिल्कुल नहीं, ये सरगम नोटेशन का गा है। तो गा पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको गा
कोमल मिल जाएगा, रे गा, रे कोमल गा कोमल। और मां पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ड्रॉ नोट है मां, तो मां मां से हाफ नोट नीचे सरगम नोटेशन में गा होता है। तो इसके पैरेलल मैंने वेस्टर्न नोटेशन के भी नोट्स लिख दिए हैं। सी के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो बी मिलेगा, डी पे प्रेस करेंगे, अब ये मैंने आप देख सकते हैं फ्लैट्स की नोटेशन में लिखा है। तो अगर हमारा रिवर्स स्लाइडर ना होता तो उसको मैं शार्प की नोटेशन में लिख देता। फ्लैट मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको ये समझने में आसानी हो कि जब हम एक नोट को, जैसे डी नोट है यहां पे, डी पे स्लाइडर प्रेस कर रहे हैं तो डी फ्लैट मिलेगा। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैंने यहां पे ये इनका इक्विवेलेंट नोट्स बता दिया है। जो ये नोट है फर्स्ट ब्लैक जिसको हम बोलते हैं, इसको सी शार्प भी कहते हैं और डी फ्लैट भी कहते हैं। तो अगर आप किसी भी नोट का शार्प नोट चेक करना चाहते हैं तो यहां से चेक कर लीजिए, डी फ्लैट, डी फ्लैट मतलब सी शार्प। तो डी पे जाके, यहां पे जाके आप स्लाइडर को प्रेस करेंगे तो हाफ नोट नीचे मिलेगा, फर्स्ट ब्लैक। तो उसको आप चाहे सी शार्प बोल दो चाहे डी फ्लैट बोल दो। तो ये तो बात रही वेस्टर्न नोटेशन की। तो ये सा रे, रे कोमल, गा पे जाके स्लाइडर प्रेस करेंगे गा कोमल, सा रे गा मा। अब मां के हाफ स्टेप नीचे क्या है, गा, क्योंकि कोई ब्लैक नोट नहीं है बीच में। तो मां पे आप अगर स्लाइडर प्रेस करेंगे, मां जो कि सेकेंड होल का ड्रॉ नोट है, वहां पे स्लाइडर प्रेस करेंगे तो आपको गा नोट मिलेगा, सारे गा। अब आप देखिए पा, सारे गामा पा। तो पा पे अगर आप स्लाइडर प्रेस कर रहे हैं तो आपको ये जिसको थर्ड ब्लैक बोलते हैं वो नोट मिलेगा। तो ये वाला जो ब्लैक नोट है, दिस इज सा रे गा मा, मा तीव्र। तो पा पे, पा के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड होल ब्लो आपको स्लाइडर इन पोजीशन में मा तीव्र। तो ये वर्टिकल लाइन जो ऊपर लगाई है, दैट इज अ सिंबल ऑफ तीव्र नोट। सो देयर इज ओनली वन तीव्र, दैट इज मा। तो मा तीव्र आपको, ये मैंने आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले का वीडियो था रिवर्स स्लाइडर के ऊपर, उसके ऊपर मैंने आपको मा तीव्र नॉर्मल स्लाइडर के साथ और रिवर्स स्लाइडर दोनों के साथ आपको बजा के दिखाया था। तो इसी तरह से आप पूरा एक जो ऑक्टेव है, ये मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस होल में आपको कौन सा नोट ब्लो या ड्रॉ करने से मिलेगा अगर आप स्लाइडर को प्रेस कर देते हैं रिवर्स स्लाइडर की पोजीशन में। तो ये चार्ट आप अपने दिमाग में रखिए तो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैं स्टार्टिंग में मैंने नाम लिया था पानीपत से शम्मी शर्मा जी का, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया, मुझे लॉजिकल सा, मुझे अच्छा लगा उनका एक जो उन्होंने बताया रिवर्स स्लाइडर करने का बेनिफिट। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम नॉर्मल स्लाइडर में, जब हम स्लाइडर प्रेस करते हैं नॉर्मल स्लाइडर, रिवर्स की बात नहीं कर रहा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट होल पे आप सा नोट है, जैसे सा, ठीक है जी। सो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको रे कोमल चाहिए तो रे कोमल आपको उसी होल में उसी नोट पे मिल जाएगा। अब नॉर्मल स्लाइडर में क्या है, आप नोट बजा रहे हैं सा, ब्लो नोट, और सा पे जाके जब आप स्लाइडर प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा रे कोमल। तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन होगा। इसी तरह से बाकी नोट्स के साथ भी है। तो नोट आप प्रीवियस नोट बजाएंगे, अब जैसे आपने सपोज कर लीजिए ये वाला नोट लेना है, ठीक है जी, रे कोमल के बाद गा कोमल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बजाएंगे नोट रे, सा रे, रे पे जाके आप स्लाइडर प्रेस करेंगे आपको मिलेगा गा कोमल नॉर्मल स्लाइडर में। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। तो पांच नोट्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे नॉर्मल शुद्ध स्वर हैं उसके अलावा पांच नोट होते हैं, जिनमें से चार हमारे होते हैं कोमल, एक होता है तीव्रा। तो नॉर्मल स्लाइडर में सिर्फ तीव्रा नोट होगा मां, जो आपको मां से ही मिलेगा, मां पे जाके आप प्रेस करेंगे तो मां तीव्रा मिलेगा, बाकी के चार नोट्स उनसे प्रीवियस नोट से मिलेंगे। इस केस में रिवर्स स्लाइडर में वो चीज उल्टी हो जाएगी, इसमें आपको कोमल नोट जो है, कोमल स्वर जो है, वो उसी नोट पे स्लाइडर प्रेस करने से मिलेगा। तो जैसे गा पे प्रेस किया स्लाइडर गा कोमल, रे पे प्रेस किया रे कोमल, धा पे प्रेस किया धा कोमल, नी पे प्रेस किया नी कोमल, तो ये चार नोट आपको वहीं पे मिलेंगे। तो मां नोट जो है, जो कि नॉर्मल स्लाइडर में आपको मां से ही मिल रहा था,
उसमें बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो बा पे जाके जब आप रिवर्स स्लाइडर पे स्लाइडर प्रेस करेंगे तो आपको मां तीव्रा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि इससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी जो लर्नर होते हैं। आपको गा पे प्रेस करोगे गा कोमल मिल जाएगा, रे पे प्रेस करोगे रे कोमल मिल जाएगा, तो थोड़ी कंफ्यूजन जो है रिवर्स स्लाइडर में कम होती है। दैट कुड बी ए वैलिड रीजन ऑफ यूजिंग रिवर्स स्लाइडर। तो जहां पे जो गुरु लोग रिवर्स स्लाइडर से सिखाते हैं मे बी ये रीजन हो सकता है। तो बट यही चीज है कि आज तक कोई भी हार्मोनिका जो है, मैंने आयरिश ट्यूनिंग की एक बात की थी उसको छोड़ दें, उसके अलावा कभी भी कोई भी हार्मोनिका मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी होती है तो वो कभी भी इस ट्यूनिंग में या रिवर्स स्लाइडर वाली ट्यूनिंग में उसमें कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होता। तो वो हमारी एक सहूलियत के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये अब इंडिविजुअल्स चॉइस है, दैट इज अप टू यू दैट इफ यू वांट टू प्ले विद नॉर्मल स्लाइडर और इफ यू वांट टू प्ले विद रिवर्स स्लाइडर। सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर कन्वीनियंस। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रिवर्स से बजाएं या आप नॉर्मल से बजाएं, जो भी चीज है अगर आपको थ्योरी पता है उसकी, उसके पीछे का लॉजिक पता है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर रिवर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर आप उस चीज को समझ के अगर बजाएंगे तो मेरे ख्याल से इफेक्टिवली आप उसको प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे पहले बताया, दिस इज माय फोर्थ वीडियो ऑन रिवर्स स्लाइडर। तो वही बात है कि नॉर्मल स्लाइडर से जब रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली काफी सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट होना एक ऑब्वियस सी बात है। तो अभी भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इसमें लगता है, कोई डाउट लगता है या कोई नई चीज आपको लगता है कि आप मुझे बता सकते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो आशा करता हूं कि नोट्स लेआउट वाला पार्ट, कौन से होल में कौन सा नोट मिलेगा हमें रिवर्स स्लाइडर में, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, जो मेल आईडी है वो मैंने लिख दिया है, तो वहां पे आप मुझे यू कैन ड्रॉप ए मेल टू मी, तो मैं जरूर आपको उसका जवाब दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस दैट क्वेरी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आप सभी के साथ रूबरू होता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर नाउ।